हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी सैनिक स्कूल की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी को है और आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो आज मैं बताऊँगा आप अपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम में जाएंगी सबसे पहले, ठीक है ना। और गूगल या क्रोम में जाकर सब यहाँ पे क्या है, सर्च बार में सर्च करोगे सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, सर्च करोगे सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड। तो इस तरीके से क्या है, जैसे ही सर्च करोगे तो ये खुल के क्या है, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। फिर नीचे की तरफ क्या है, इसे जाना है थोड़ा, ठीक है। नीचे की तरफ जाओगे तो ये मिलेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के पश्चात नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है ना। जैसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो क्या है, नीचे की तरफ जाने के बाद आपको मिलेगा रीड मोर, ये दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये दे रखा है, ये इस पॉइंट पे क्या है, आप क्लिक करोगे, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या है, एडमिट कार्ड वाले पॉइंट पे क्या है, क्लिक करोगे। जैसे ही इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का है इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर, सबसे पहले क्या मांगेगा ये, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। फिर उसके बाद में एक सेकेंड, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है सबसे पहले वाले कॉलम में, ठीक है ना, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे। दूसरे वाले कॉलम में क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, किस मतलब क्या है, जैसे किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है 8/3/2010, तो इस तरीके से क्या है, सबसे पहले क्या है महीना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, जैसे हमने मान लिया दो तारीख है, ठीक है ना, 2/5 का मतलब फरवरी है, ठीक है ना, 2010, ठीक है ना, 2010। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, एंटर सिक्योरिटी पिन, यानी कि इसमें क्या डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, यानी कि ये जो नीचे जो पिन नंबर दे रखा है ना, इस पे यहाँ पे D3L316, इस तरीके से क्या है, कोई भी पिन क्या है आपको आएगा, वो पिन क्या है इसमें फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये सभी क्या है कॉलम फिल कर दोगे तो क्या है, आपको सबमिट पर क्या है क्लिक कर देना है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, कुछ बच्चों का ऐसा है एप्लीकेशन नंबर जैसे कोई भूल गया है या फिर क्या है खो गया है, तो किस तरीके से आपको क्या है एप्लीकेशन नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ज्ञात करने के लिए ये तीन पॉइंट दे रखे हैं हमारे, तीनों पॉइंट में क्या है इस वाले नंबर पर जाना है, ठीक है ना। इस पर जैसे ही इस वाले नंबर पर क्लिक करोगे, ये वाला पहले वाले स्टेप पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस क्या है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी जो डिटेल है वो यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है ना, ये सभी डिटेल डाल दोगे यहाँ पे। यहाँ पहले क्या है, ये है हमारा फॉरगेट, क्या देखना, फॉरगेट वाले पे क्लिक करोगे, क्योंकि उसमें तो क्या है एप्लीकेशन नंबर मांग रहा था। यहाँ पे अपनी क्या है सभी डिटेल डाल दोगे, यहाँ से क्या है एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट नेम, यानी कि यहाँ पे अपना नाम डालोगे, फिर दूसरा फादर्स नेम यानी पापा का नाम डालोगे, फिर क्या है मदर्स नेम यानी मम्मी का नाम डालोगे यहाँ पे, फिर अपनी क्या है डेट ऑफ बर्थ डालोगे, और क्या है डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से, डे मंथ और ईयर के रूप में क्या है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे। फिर क्या है सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन वाला वही, यही वाला ही, ये जो दे रखा है हमारे, ये वाला सिक्योरिटी पिन डाल दोगे। यदि आप क्या है ये भूल गए हो अपना एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ से क्या है अपना एप्लीकेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए सब पूरी जो दे रखी है हमारे कॉलम, इनको फिल करने के बाद, ठीक है ना, इस पे क्या है गेट एप्लीकेशन नंबर पर क्या है क्लिक करोगे, तो आपके लिए यहाँ से एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, बैक जाओगे। बैक जाने के पश्चात क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है स्क्रॉल करोगे एक सेकेंड, जैसे ही बैक जाओगे यहाँ से, ठीक है ना, फिर इस वाले क्या है तीसरे वाले कॉलम पर क्या है स्टेप पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से क्या है अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट कर सकते हैं। और आपके सैनिक स्कूल की क्या है, जो हमने क्या है 3-4 क्या है पेपर बनाए हैं, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल क्या है पेपर के
जो पेपर है उसका एनालिसिस, जो पुराने पेपर है उनका एनालिसिस करके क्या है हमने पेपर बनाया है उनको क्या है जाकर देख लें, ठीक है ना। और साथ ही क्या है अब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आने वाला क्या है जो भी क्या है आपको जानकारी वो मिलती रहेगी समय समय पर, ठीक है ना। और हमारी क्या है बहुत अच्छी सीरीज चल रही है सैनिक स्कूल की, इसलिए क्या है आप उससे वंचित ना रह जाएँ, आप इसके लिए सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।